दोस्तों ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यह डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन तंत्र, पोषण एवं उपापचय से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन के लिए। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर डेली बेसिस से विजिट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। जब भी वैकेंसी जाए उसमें एक सीट आपका जरूर रहे। सभी काम करते हुए भी 2-3-4 घंटा आप इसके लिए भी जरूर निकालिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। 20 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा दोस्तों, बीच में स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगह पर हुई उन सारी अनुभवों का निचोड़ है जो कि व्यक्ति, समुदाय व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञात पर सुखद प्रभाव डालती है। इस बात को किसने कहा है? तो इस बात को कहा है थॉमस वुड ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है। नेफ्रॉन इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ। तो नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है दोस्तों, आप सबको पता है किडनी की है, क्योंकि नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की रचनात्मक इकाई होती है। और जो है, जो नेफ्रॉन होता है किडनी की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। और ये नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन जो है घूम करके एक कटोरी नुमा आकृति बना जाता है जिसे बोमेन सैंपुट कहते हैं। और जो नेफ्रॉन के बोमेन सैंपुट यानी ग्लोमेरुलस में जो है रक्त का, जो रक्त का फिल्टर होता है वो होता है, यानी ब्रिक में प्रवेश करने वाली जो नेफ्रॉन होती है वो जो होती है दोस्तों, नेफ्रॉन की बात करें तो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख 30 हज़ार नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है प्यालेनुमा रचना से होती है। नेफ्रॉन मूल नलिका का प्रारंभ जो है प्यालेनुमा या कटोरीनुमा रचना से होती है, और जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट जो है कैप्सूल जो होता है भीतर, उसके भीतर जो अभिवाही यानी कि अफ्रियंट नलिका जाती है और उसकी जो बाहर नलिका निकलती है उसको अपवाही यानी कि इफ्रियंट नलिका कहा जाता है, जो मिलाकर के एक गुच्छा बनाता है, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इसी ग्लोमेरुलस में रक्त अभिवाही धमनिका द्वारा जो है, ग्लोमेरुलस में रक्त किसके द्वारा पहुँचता है? अभिवाही धमनिका यानी कि अफ्रियंट, और बाहर निकलता है अपवाही धमनिका के द्वारा। वुमेन्स कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस मिलकर मालपिगियन कोष बनाते हैं। और इसी वुमेन्स कैप्सूल में क्या होता है कि ब्रिक में प्रवेश करने वाली ब्रिक धमनी पतली पतली ब्रिक धमनिकाओं में बढ़ जाती है, फिर वह नेफ्रॉन के वुमेन संपुट वाले भाग में प्रवेश करती है जिसे हम अभिवाही धमनी यानी कि एफ्रियंट कहते हैं, इसका व्यास अधिक होता है। ठीक है, अभिवाही धमनी का कई नलिकाओं में बढ़कर एक गुच्छा बनाती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। वुमेन संपुट से बाहर निकलने वाली धमनी को हम कहते हैं अपवाही धमनी, इफ्रियंट। अभिवाही धमनी का जो व्यास होता है, जो अंदर जाती है उसका अधिक होता है, जबकि जो बाहर निकलती है धमनी अपवाही इफ्रियंट उसका कम होता है। ठीक है, तो व्यास वहाँ पे दाब जो है अधिक हो जाता है, जहाँ पर अगर व्यास कम है, जगह कम है तो रुधिर का दाब अधिक हो जाता है, जिससे रक्त जो है छन कर वुमेन संपुट में इकट्ठा हो जाता है। याद रखिएगा, इस प्रकार से जो अच्छे पदार्थ होते हैं छन कर अपवाही धमनिका के द्वारा हमारे शरीर की तरफ जाती हैं, खराब पदार्थ यूरिन यानी कि मूत्र का निर्माण होता है जो बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्च रक्त शर्करा स्तर किससे नियंत्रित होता है? हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाय। तो दोस्तों आपको पता है कि ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण। जब इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन करता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने में, ऊर्जा बनाने में काम आता है, और जो कार्बोहाइड्रेट को यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, और यदि कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में वो कन्वर्ट नहीं कर पाता। और क्या होता है कि जो ग्लूकोज यानी शर्करा होता है वो हमारे रक्त में प्रवाहित होने लगता है, जिसे हम डायबिटीज या शुगर कहते हैं। और
तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंसुलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उच्च रक्तचाप कम करने के लिए अति तत्काल प्रभावी प्रयोग बहुत तेजी से दिखाई देता है, और यह सरल और शुद्ध रंग का होता है, और इसका इंजेक्शन भोजन से 15 मिनट पहले देना चाहिए, जिससे कि प्रभाव भोजन के 10 मिनट बाद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह ऊर्जा मापने की इकाई है, विच इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी। आपको पता है दोस्तों, कैलोरी, ठीक है। एक कैलोरी बराबर होता है जितना एक ग्राम जल को गर्म करने में एक डिग्री एक जल को एक ग्राम जल को एक डिग्री से तापमान पर गर्म होने में जितना एनर्जी लगता है उससे उतना ही एक कैलोरी बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक खिलाड़ी की यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा कितनी होती है लगभग। द अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एन एथलीट इज अप्रॉक्सीमेटली। दोस्तों ये होता है 70 से 100 ग्राम। जैसे कि आप जानते हैं ग्लाइकोजन हमारे मांसपेशियों में हमारे यकृत में इकट्ठा होता है, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें ऊर्जा देता है। तो मानव द्वारा ग्लाइकोजन को संचित भंडारण यकृत में जो लीवर में होता है वो जिसमें खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा लगभग 70 से 100 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है। मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू विच सिस्टम। दोस्तों आपको पता ही है एक पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका रिलेशन है। हमारे लिए द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण इन सब में रासायनिक क्रिया करके उसे ATP प्लस ADP प्लस PI प्लस ग्लूकोज बनाता है जो हमारे शरीर के सभी अंगों में रक्त के माध्यम से पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं। व्हाट आर कॉल्ड एंटी रिकेटिक विटामिन। दोस्तों एंटी रिकेटिक विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए कैरोटीन पिगमेंट से इसका निर्माण होता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन एंड वृद्धि कारक या ग्रोथ विटामिन भी कहा जाता है। एंड दोस्तों जो विटामिन ए है, विटामिन जैसे कि विटामिन डी शरीर की हड्डियों को बनाने में और देखभाल कर रखने में मदद करता है, और साथ ही यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है विटामिन डी। और इसी बच्चों में रिकेट्स होने पर विटामिन डी विटामिन की पर्याप्त खुराक देने पर बच्चा स्वस्थ हो जाता है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ए नहीं होगा, डी होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं विटामिन डी की बात कर रही हूँ, एंटी रिकेटिक विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है, याद रखिएगा। एंटी रिकेटिक विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है, और विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, और विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन या नेचुरल विटामिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि विटामिन डी शरीर की हड्डियों को बनाने और देखभाल कर रखने में मदद करता है, और साथ ही यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है, और बच्चों में रिकेट्स होने पर विटामिन की पर्याप्त खुराक देने पर बच्चा स्वस्थ हो जाता है, इसलिए इसे एंटी रिकेटिक विटामिन कहते हैं। और विटामिन डी को नेचुरल विटामिन और किडनी हार्मोन्स भी बोला जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी में दो विटामिन मेन माने जाते हैं, विटामिन D2 और D3। विटामिन डी को आर्गो कैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 को कोले कैल्सिफेरॉल कहते हैं। जो D2 होता है आर्गो कैल्सिफेरॉल, उसकी कमी से टिटैनी, एंड D3 जो कोले कैल्सिफेरॉल होता है उस सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन D3 की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है
कैल्सीफेराल ए सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो सही है। एन विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं रासायनिक नाम, जिसकी कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, जिसकी कमी से त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन B3 को निकोटिनामाइड या नियासिन, इसका वैज्ञानिक नाम है, इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है, रिकेट्स नहीं होता, रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। तो यही डी आपका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी कैलोरी प्रदान करता है, हाउ मेनी कैलोरीज डज फैट प्रोवाइड टू द बॉडी पर ग्राम। तो आपको पता है कि जो वसा है सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, 9.1 कैलोरी, एंड जो कार्बोहाइड्रेट और वसा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन होता है वो ये ग्राम में 4 कैलोरी या 4.1 कैलोरी प्रदान करता है। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी सोर्स यानी तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हमारे भोजन के हिस्सा में 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट, 10 से 15% प्रोटीन और 20 से 30% हिस्सा हमारे फैट का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन एग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केसिन जो है दूध में पाया जाता है, ग्लूटेनिन ए आपका गेहूं अनाजों में पाया जाता है, ठीक है। तो अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे में दो प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, एक एल्ब्यूमिन और दूसरा वाइटेलिन। जो एल्ब्यूमिन होता है वो अंडे के सफ़ेद वाले भाग में पाया जाता है और जो वाइटेलिन होता है अंडे की पीले वाले भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। तो दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स में शर्करा का एक अणु से मिलकर बना होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड जो होता है शर्करा का 2 अणु से मिलकर बना होता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। इन दोनों को पचाना आसान होता है। तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, जो जटिल शर्करा के अंतर्गत आता है, जिसको पचाना कठिन होता है। इसमें आपका ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, कैटिन आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रत्येक व्यक्ति की संहति का लगभग 99% भाग 6 तत्वों से बना होता है, अर्थात कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड 3 और कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिकथन स्टेटमेंट्स बेस पे है कि इस कथन ए है कि ऊर्जा व्यय का मापन अथवा अनुमान अभ्यास शरीर क्रिया वैज्ञानिकों को किसी क्रियाकलाप के शरीर क्रियात्मक लागत के निर्धारण की अनुमति देता है और यह निष्पादक कार्य की ऑक्सीजन लागत के द्वारा मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्त है, यानी कि राइट है दोस्तों। कोई भी आप ऊर्जा व्यय कितना हो रहा है तो वो निर्भर करता है कि आप कितना एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन कितना ग्रहण कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये सही है। आर तर्क देखते हैं कि मेटाबोलिक MET समतुल्य ऊर्जा अभिव्यक्त करने की जेनेरिक पद्धति है, ठीक है, जेनेरिक पद्धति है। यहाँ पे पढ़ती आपका लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। एक MET विश्राम में ऑक्सीजन खपत की समतुल्य होता है, तो ये दोनों सही है। लेकिन जो ए का आर जो तर्क करना चाहिए वो तर्क नहीं किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है, बट ए आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन को पता लगाइए। आपको पता है विटामिन B, C और H, ए तीनों विटामिन वाटर सेल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील। उसके अलावा आपका A, D, E, K यानी कि K, E, D, E, ए आपका फैट सेल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है।
तो यहाँ पे पूछा है जल में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन बी और विटामिन सी यानी कि 2 और 5 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है कार्बोहाइड्रेट भरण के लिए आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट भरण के लिए आवश्यकता होती है कि आहार में फेर बदल 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 कर आधार जो है आहार ग्रहण करना चाहिए। एंड कठिन अभ्यास, आप कितना कठिन अभ्यास कर रहे हैं, और भूखमरी, बहुत भूख लगा है तो आपको कार्बोहाइड्रेट भरण की आवश्यकता होगी। जब आप भूखे हैं तो जो हमारे अंदर जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वो हमें ऊर्जा प्रोवाइड करने लगता है ग्लूकोज बन करके, ठीक है। तो आप 1, 2, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 1, 2, 4। यहाँ पे 3 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 1, 2, 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 1, 2, 4, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा गया है, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है अभ्यास से 1 घंटा पहले उपभोग की जाने वाली कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। तो दोस्तों जैसे कि एक साधारण व्यक्ति को प्रति केजी या बॉडी वेट के हिसाब से कम 0.,  यानी कि प्रति केजी या बॉडी वेट के हिसाब से 1 घंटे में 1.3 कैलोरी प्रति केजी या बॉडी वेट की आवश्यकता होती है एक वयस्क व्यक्ति को, लेकिन अभ्यास से 1 घंटा पहले तो यहाँ पे 1.3 होना चाहिए, और 1.3 यदि नहीं दिया है तो 1 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो शरीर के प्रति किलोग्राम पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, यानी कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। क्वेश्चन नंबर 17 है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए। दोस्तों इन सभी ऑप्शन में जो गाजर है सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए, आपका गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। अब विटामिन ए की खोज जो किए थे मैलकम ने किया था, विटामिन ए की खोज किसने किया था, मैलकम ने किया था। और विटामिन ए जो है आपका पाया जाता है गाजर में सबसे ज़्यादा, उसके अलावा दूध में, अंडा में, टमाटर में, धनिया में, काजू में, आदि चीज़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बाइल द्रव्य किसकी पाचन में सहायक है। बाइल फ्लूइड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ व्हाट, बाइल फ्लूइड यानी कि पित्त रस जो होता है जिसका निर्माण यकृत में होता है और ये इकट्ठा होता है आपके पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में, और इसका कार्य क्या होता है कि भोजन में उपस्थित वसा तथा वसा में जो घुलनशील विटामिन के, ई, डी, ए होता है उनका पाचन करता है। तो यहाँ पे वसा का पाचन करता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा। और क्या करता है कि वसा को जल में घुलनशील बनाकर पाचन योग्य बनाता है, तो इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। और जो आंतों में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को क्या करता है, यह बाइल जो तीव्र कर देता है, अथवा भोजन जो को आमाशय से आए भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत क्या है, व्हाट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी या इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो होता है हमारा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और ग्लूकोज ही शरीर को क्या बनाता है, ताकत प्रदान करता है। और ऑक्सीजन की सहायता से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है एटीपी का निर्माण बनता है जो हमें ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सा रस दूध को दही में परिवर्तित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जूस मिल्क इनटू कर्ड। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दूध का वो रेनिन जो है अमाशय से जो स्रावित होता है जठर रस से, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, तो जो रेनिन होता है दूध को दही में परिवर्तित करता है यानी दूध को पचाने में मदद करता है। जिससे जो रेनिन होता है नवजात शिशु में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे वो दूध केवल पीता है आने नहीं खाता है, तो उसको पचाने में रेनिन एंजाइम जो है मदद करता है।
ये था आज के सेशन का 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, और जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिसे और लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।